नमस्ते दोस्तों, जयपुर जायका में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम फिर से एक ब्रेकफास्ट की रेसिपी बनाएंगे। तो आज हम स्पेनिश ऑमलेट बनाएंगे, बहुत सारी सब्जियों से बनेगा और प्रोटीन होगा एग का, तो बहुत हेल्दी ब्रेकफास्ट है और बहुत फटाफट बन जाता है। तो आइए बनाते हैं इसे। तो देखिए, एक पैन में मैंने यहाँ बहुत थोड़ा सा तेल लिया है, सिर्फ 2 चम्मच, तो आप कम ही तेल डालें। और ऑयल गर्म होने पर इसमें देखिए मैंने एक प्याज काट के डाला है, और इसे हम बहुत थोड़ा सा भूनेंगे, लगभग 2-3 मिनट के लिए, हल्का सा ही ट्रांसपेरेंट हो जाए, बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है। ये देखिए, बस इतना ही कुक करना है इसे हमें। इसके बाद मैंने थोड़ी सी गाजर कस ली है, यहाँ एक गाजर है, उसे आप चाहे बारीक काट लीजिए, चॉप कर लीजिए, मैंने यहाँ कस के डाली है। इसे भी हम सिर्फ 1 मिनट के लिए कुक करेंगे। फिर ये थोड़ी सी शिमला मिर्च डाली है और एक छोटा सा टमाटर डाला है। तो इन्हें हमें बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है, और थोड़ा सा सॉल्ट डालना है, और बहुत हल्का सा, सिर्फ 2-3 मिनट के लिए कुक करना है कि हाफ कुक हो जाए। और इसे हम गैस बंद करके थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे सब्जियों को। तो ये रेडी हैं अब सब्जियाँ। अब देखिए, मैंने 4 एग लिए हैं यहाँ पर, इन्हें हम अच्छे से बीट कर लेंगे। इसके बाद इसको थोड़ा सा फ्लफी बनाने के लिए देखिए मैंने इसमें थोड़ा सा दूध डाला है। अगर आप ना चाहें तो दूध ना डालें, पर इससे अच्छा बनता है ऑमलेट। अब देखिए, इसमें हम थोड़ी सी ब्लैक पेपर डाला है, थोड़ा सा नमक है, और थोड़े से चिली फ्लेक्स हैं। ये हरी मिर्च डाली है, 2 तीखे वाली, आप चाहें तो इसे छोड़ दें या कोई और मिर्च डाल लें। और थोड़ा सा हरा धनिया डाला है। अब इसे हम अच्छे से फिर से बीट कर लेंगे। इसके बाद जो सब्जियाँ हमने कुक की थी, वो अब थोड़ा ठंडी हो गई हैं वो, और इसे अब हम इसमें मिला लेंगे। नॉर्मल टेम्परेचर पर भी आप डाल सकते हैं इसे। अब इन्हें हम फिर से अच्छे से मिला लेंगे एक बार। अब देखिए, सेम पैन में हम फिर से सिर्फ 2 चम्मच ऑयल डालेंगे और इसे हल्का सा गर्म करेंगे, और जो हमने एग और सब्जियों का जो बैटर बनाया है, ये इसमें हम डाल देंगे। और सब्जियों को थोड़ा अच्छे से हम चारों तरफ फैला लेंगे। तो आप फ्लेम को बिल्कुल लो रखें यहाँ पर, और इसे हम ढक देंगे 4 से 5 मिनट के लिए। तो फ्लेम आप लो रखें, ध्यान रखें। अब देखिए, 4-5 मिनट हो गए हैं, तो हम इस तरह से चेक कर लेंगे कि नीचे से कुक हो गया है। तो ये अच्छे से, एक तरफ से अच्छे से कुक हो गया है। तो देखिए, इसे अब हम पलट लेते हैं। तो पलटने के लिए आप इस तरह से एक प्लेट की हेल्प लें, और इस समय में आप गैस बंद कर दें। उसके बाद हम दूसरी साइड से इसे फिर से पैन में डाल देंगे, ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर हमें। और इसे हम फिर से ढक देंगे और 3 से 4 मिनट के लिए कुक करेंगे। तो देखिए, बहुत अच्छे से हमारा स्पेनिश ऑमलेट बहुत सारी सब्जियों के साथ रेडी है, बहुत हेल्दी ब्रेकफास्ट है। तो आइए सर्व कर लेते हैं इसे। तो देखिए, रेडी है हमारा ये ऑमलेट, बहुत टेस्टी बना है और सब्जियों के साथ बहुत हेल्दी तो हो ही गया है। तो आप बनाइए इसे, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।